बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये एक छोटा सा माइक है, ये मैंने किसी यूट्यूबर के साथ देखा था, उन्होंने यहाँ लगाया था जैसे मैंने लगाया है यहाँ पर। तो मैंने पूछा यार ये कितनी की आती होगी, उसने बताया कि समी भाई ये आपकी काम की चीज़ नहीं है। उनका कहने का मकसद ये था कि ये महंगा है और आपने क्या करना है, आप वो 1000-1500 रुपये में बोया माइक आता है, आप वो ले लें। मैंने आगे से पूछा कि यार ये कौन सी माइक है और कितनी की आती होगी। पर ये हमारे पास है, हमारे दोस्त हैं बड़े अच्छे BMW कलेक्शन वाले। पर मैंने इनको फ़ोन मिलाया और कहा कि यार ये रॉड की जो है वायरलेस गोटू, ये छोटा सा माइक है और कितनी की आती होगी। उसने बताया कि यार समी भाई ये 60,000 रुपये का, 56,000-57,000 रुपये का वो ये माइक है, और साथ में एक छोटा सा ये केबल जो कि इतना से ही केबल है, मैंने आगे वो फ़ोन के साथ लगाया है। कह रहे थे ये 5,000 रुपये के ये हैं, कोई 61,000-60,000 रुपये बनते हैं। तो फिर वो मुझे अजीब भी लगा कि इतनी छोटी सी माइक, वही पुष्पा फिल्म वाली सीन हो गई कि यार इतनी छोटी सी माइक और 60,000 रुपये। फिर वो यूट्यूबर की बात याद आ गई, उसने कहा था कि ये आपकी बस की बात नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि यार एक भिजवा दो। तो बड़ी मेहरबानी BMW कलेक्शन वालों का जिन्होंने मुझे ये एक दिन के अंदर ही भिजवा दिया था। बड़े अच्छे सर्विस देते हैं, अगर आपने कभी कोई चीज़ परचेज़ करना हो तो ये BMW कलेक्शन वाले हैं, बहुत ही ट्रस्टेड है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एक दिन के अंदर ही आपको ओरिजिनल ब्रांडेड, मतलब जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं उनके आपको ऑफिशियल वारंटी में आपको चीज़ें मिल जाते हैं। और पूरे पाकिस्तान में मैंने जितने भी रेट देखे हैं इनके रेट सबसे कम होते हैं। तो फिर मैंने इनसे ऑर्डर कर लिया और एक दिन के अंदर मुझे मिल गया, और अनबॉक्सिंग भी मैंने कर लिया। पहले आप छोटा सा अनबॉक्सिंग चेक कर लें। अनबॉक्सिंग आपने देख लिया, ये है रॉड का वायरलेस गो टू माइक। इनके साथ दो आपके माइक आते हैं, एक रिसीवर आता है, यानी आप दो बंदों को एक साथ लगा सकते हैं। और इसमें सिंगल चैनल भी आता है, अगर आपको सिंगल चैनल लेना है वो 35,000 रुपये या फिर 38,000 रुपये के आसपास आपको BMW कलेक्शन से मिल जाएगा, या फिर कोई भी अगर आपके कोई ट्रस्टेड ऑनलाइन स्टोर हैं आप उसे ले सकते हैं। ये हमारे यूट्यूबर हज़रात के लिए बड़ा बेहतरीन है, अगर आपका बजट इतना बनता है तब, वरना फिर वही वाली बात है ना कि वो 1000-1500 वाले में आप गुजारा कर ले। तो ये छोटा सा माइक है, आप देख लें इतना छोटा सा माइक है। ये दो चैनल है, एक ये है और एक ये मैंने लगाया हुआ है। और इनके साथ ये भी आता है, अगर आप आउटडोर रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो ये इनके साथ लगता है। फिर इसमें ये कि हवा की जो शोर वगैरह आती है, नॉइस वगैरह, वो रिकॉर्ड नहीं होंगे। और इनके साथ ये एक केबल आता है जिसके ज़रिए आप कैमरे के साथ लगा सकते हैं, या फिर लैपटॉप के साथ पता नहीं काम करेगा या नहीं, क्योंकि 3.5 mm जैक नहीं है ये। इसके साथ मैंने आईफोन में लगाने के लिए, चूँकि मेरे पास आईफोन 12 प्रो मैक्स है, उनके साथ लगाने के लिए एक छोटा सा SC15 केबल मिला है। चूँकि ये सिर्फ 5,000 रुपये का एक केबल है,
अनबॉक्सिंग तो आपने चेक कर ली है, अनबॉक्सिंग में तो मैंने डिटेल से बताया नहीं। ये इनके साथ एक पाउच आता है जिसमें आप ये कैरी कर सकते हैं, और इनके साथ इस तरह के तीन केबल हैं, डेटा केबल हैं, जिसके ज़रिए आप इसको चार्ज कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप वगैरह से कनेक्ट कर सकते हैं। इनके सॉफ्टवेयर जो कि लैपटॉप में होते हैं वहाँ से आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं। बाकी ये आपके इंटरव्यूज़ के लिए, यूट्यूब की वीडियोज़ बनाने के लिए, व्लॉगिंग के लिए, किसी भी काम के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके ये दो माइक हो गए, एक रिसीवर है जो कि आईफोन के ऊपर लगा हुआ है, और एक वायरलेस माइक है, इनका कोई तार वगैरह नहीं है, कहीं भी ले जा सकते हैं। और इनका जो डिस्टेंस है वो आप 200 मीटर तक रख सकते हैं, यानी 200 मीटर तक इन्होंने बताया कि ये काम करेगा, और मैंने काफ़ी टेस्ट वगैरह देखे हैं, वाकई में काम करते हैं। और वैसे 200 मीटर तक तो किसी ने रिकॉर्ड नहीं करना होता है, लेकिन अगर करना चाहे तो कर सकता है। बाकी इसमें इंटरनल रिकॉर्डिंग की भी ऑप्शन है, अगर आपकी इंटरव्यूज़ के दौरान, वीडियोज़ के दौरान अगर आपकी ये जो तार वगैरह डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो ये इंटरनल रिकॉर्डिंग भी करता है, उसकी फ़ाइल को आप दोबारा फिर ऑडियो में कन्वर्ट करके उसको अपने वीडियो के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बड़ा ही बेहतरीन माइक है, और वैसे मैंने वो यूट्यूबर की बातों में नहीं आना है, मुझे चूँकि आईफोन के साथ मैंने बोया का या फिर दिगर जो मेरे पास एक दो माइक पड़े हैं वो मैंने यूज़ करने थे, उसमें मसला ये दरपेश आ रहा था कि कभी उनका जो छोटा केबल आता है लाइटनिंग केबल, कभी वो ख़राब, कभी तार में हलचल, कभी पता नहीं वो रिकॉर्डिंग हो जाता था, कभी ऑडियो मिस हो जाती थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार इसको एक दफ़ा ही लिया जाए तो ये बेहतरीन चीज़ है, फिर हमेशा की झंझट से जो है आप फारिग हो जाएंगे। ठीक है, मुझे आपने बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।